हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर 8. थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच टू अ पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू पी. मतलब ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है. देर आर टू पॉइंट्स गिवन पी एंड क्यू विच आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, फॉलोइंग डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर. सो यू देर आर थ्री गर्ल्स. द गर्ल ए इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, गर्ल बी इज ट्रैवलिंग लाइक स्ट्रेट, and the C1 is traveling like this. Ready? What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of path skate? Okay. So, हमें यहाँ पे क्या find करना है? पहला, magnitude of displacement, जो कि हमें पहली चीज़ find करनी है वो. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. रेडी? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि तीनों गर्ल्स के लिए, ए बी और सी, तीनों गर्ल्स के लिए सेम होगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल. अच्छा, वो कितना होगा? और वो होगा इज इक्वल टू 2R. जितना ये पूरा डायमीटर हो गया, डायमीटर मतलब 2R, एंड रेडियस इज गिवन इन द क्वेश्चन 200 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज 400 मीटर फॉर ऑल. रेडी? दूसरा क्या फाइंड करना है? फॉर विच गर्ल दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट. तो कौन सी लड़की के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम होंगे? सो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था कि कौन से केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन. और ऐसा सिर्फ इसी केस में हो रहा है. तो इसी केस में, मतलब फॉर गर्ल बी, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम. रेडी? और वो कितना होगा? 400 मीटर. चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल, कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 9. अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ. साइक्लिस्ट सेंटर ओ से स्टार्ट करता है ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर. तो इसका जो रेडियस है आर, इट इज गिवन बाय 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर. मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है. ओ से स्टार्ट कर रहा है, रीचेस थ्रू द एज पी ऑफ द पार्क. पी यहाँ पे है, मतलब ओ से पी जा रहा है. यहाँ पे हम पाथ लिखते हैं ओ टू पी. देन साइकल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ. मतलब पी से वो जाएगा क्यू पे और क्यू से वापस आ रहा है वो ओ पे. सो ये हमने पाथ लिख दिया पूरा. इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, टोटल टाइम इज गिवन 10 मिनट, मतलब 600 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं. चलो, पहला फाइंड करना है ए, नेट डिस्प्लेसमेंट. चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जीरो. रीजन, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कैसे हैं? सेम, जीरो.
रीजन लिख देंगे कॉज, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, राइट। चलो अब हम फाइंड करेंगे बी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमारा सी है। पहले बी फाइंड करते हैं, बी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चैप्टर 3 में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। चलो ये पूरी प्रोसेस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 0 एंड टाइम हमें दिया है 600 सेकंड, इवेंचुअली आंसर हो जाएगा 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। चलो सी, एवरेज स्पीड। चलो अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ लेंथ बाय टाइम। चलो तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो रहा है, तो पहले हम जा रहे हैं ओ से पी, तो ओ से पी और रेडियस हमको दिया है 1000 मीटर, तो पहले ओ से पी के लिए लिखेंगे 1000 मीटर। फिर जा रहे पी टू क्यू, अब पी टू क्यू मतलब फोर्थ पार्ट है हमारे सर्कल का, सो वी कैन से कि फोर्थ पार्ट, पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, और ये जो है उसका फोर्थ पार्ट है, तो 2πr बाय 4, सो आंसर आएगा πr बाय 2। तो इसकी वैल्यूज आप डालोगे, सो ये हो जाएगा पाए 3.14 और r हो जाएगा हमारा 1000 बाय 2, रेडी। सो इसका आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग आंसर आपका आएगा, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मैं एग्जैक्टली यही वैल्यू यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा वो ये आंसर आपको यहाँ पे डाल देना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टोटल पाथ लेंथ। यहाँ से यहाँ का तो हो गया था 1000, ये आपको फाइंड करना है जो आपको मीटर में मिलेगा। प्लस क्यू से ओ, सो क्यू से ओ के लिए अगेन 1000 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इज गिवन बाय 600 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपको एवरेज स्पीड मिलेगी इन मीटर पर सेकेंड, रेडी। मे बी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना, रेडी। अगर आंसर नहीं आता है तो मुझे मैसेज में बोल देना कि सर आंसर नहीं आ रहा, बट 110% इसका आंसर आ ही जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर न्यूमेरिकल नंबर 10। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर्स, ठीक है। तो एक मोटरिस्ट है, मान लो कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, और 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ए तक, कितना है ये 500 मीटर्स, और हर 500 मीटर में वो लेफ्ट साइड पे टर्न ले रहा है विथ एन एंगल 60, तो इसका लेफ्ट ऐसे होगा। देखो उसकी मेन डायरेक्शन थी ये, तो वो डायरेक्शन से उसने 60 डिग्री टर्न ले लिया, ये डिस्टेंस भी कितना है 500 मीटर, लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी, वहाँ से फिर से वो लेफ्ट में टर्न ले रहा है, तो पहले हम उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और ओरिजिनल डायरेक्शन से लेफ्ट में ऐसे, अगेन ये डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, 60 डिग्री का टर्न लिया है उसने, फिर उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, वहां से वो अगेन लेफ्ट में टर्न लेगा 60 डिग्री, ये हो गया 500 मीटर, ओरिजिनल डायरेक्शन उसकी ड्रॉ करो, वहां से वो लेफ्ट में टर्न ले रहा है 60 डिग्री,
ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये डिस्टेंस हो गया 500 मीटर। रेडी, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ से लेफ्ट में टर्न ले लो, 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने, ये डिस्टेंस है 500 मीटर। ए बी सी डी ई और ओ, मतलब ये शेप क्या बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा करते गए तो ये रेगुलर हेक्सागोन बना। क्या बना? रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा फाइंड क्या करना है, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट थर्ड सिक्स एंड एट टर्न। कौन से टर्न? थर्ड टर्न, सिक्स टर्न और एट टर्न, ये तीनों टर्न का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। चलो फिर क्या लिखा है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। ये हर एक केस में आपको तीनों केस के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय पाथ लेंथ करके इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलो तो ओ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, पहला टर्न यहाँ पे होगा, दूसरा टर्न यहाँ पे होगा, तीसरा टर्न यहाँ पे होगा, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्न एट पॉइंट सी। रेडी, तो पहले एक रूल लिखते हैं रेगुलर हेक्सागोन के लिए। इन रेगुलर हेक्सागोन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट साइड्स इज ऑलवेज 2a, वेर a इज साइड ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, इन रेगुलर हेक्सागोन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट साइड, ये दो ऑपोजिट साइड हो गई, ये दो ऑपोजिट साइड हो गई और ये दो ऑपोजिट साइड हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट साइड ऑलवेज कितना होता है? 2a जितना, वेर a इज द साइड ऑफ हेक्सागोन, हमारे लिए a कितना है? 500। ठीक है, तो थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब ये रहा, पहले लिखते हैं फॉर थर्ड पॉइंट। रेडी, मतलब सॉरी फॉर थर्ड टर्न। चलो थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ये 2a, मतलब 500 इंटू 2 1000 मीटर, और इसी पॉइंट के लिए पाथ लेंथ क्या होगा? तो पाथ लेंथ 500 500 500, मतलब हो गया 1500 मीटर। रेडी, चलो तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ करोगे तो हो जाएगा 1000 by 1500, मतलब ये 2/3। ठीक है, चलो ये हो गया पहले केस के लिए थर्ड टर्न के लिए। अब हम फाइंड करेंगे फॉर सिक्स्थ टर्न, पहला टर्न, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्न कहाँ पे आ गया? ओ के पास, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, तो उसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। एंड पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितना हो गया? 500 500,
एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स फाइव ज़ा 30, मतलब 3000 मीटर्स। और यहाँ पे तुम डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ करोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ, सो 0 by 3000, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 0। रेडी, अब हम फाइंड करेंगे फॉर थर्ड टर्न, सॉरी कौन सा था, एट्थ टर्न, फॉर एट टर्न। रेडी, चलो ये 6, 7 और 8, तो एट्थ टर्न यहां पे हुआ, तो इसके लिए पहले फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट। रेडी, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। रेडी, चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल मेथड आ गया, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 500 कॉस 60, है ना, ये हमने पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो इसको अगर सॉल्व करते हैं सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 500 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कॉस 60 इज 1/2, ये 2 कैंसिल, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 3 times 500 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 into 500 मीटर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। व्हाट विल बी द पाथ लेंथ ऑफ हियर, सो पाथ लेंथ इज इक्वल टू, चलो 8 टर्न है ना, 8 बार टर्न लिया, तो 8 times 500, सो योर पाथ लेंथ विल बिकम 4000. Now the final ratio of displacement by path length. तो displacement कितना था, under root 3 500 by 4000. तो ये cancel, ये cancel. So under root 3/8. This is the our final answer. Ready? चलो कुछ नहीं किया, ये लिखा नहीं है, जगह नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ किया, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 3 into 500 by 4000, सो ये आंसर आएगा, ये 3 है। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, कोई भी रेफरेंस बुक देख लो, इससे सिंपल मेथड में कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं दिया होगा, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 11। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल, यह है एक पैसेंजर है, वो नई सिटी में आया, ये उसका स्टेशन है और उसको होटल जाना है, विच इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम अ स्टेशन, स्टेशन से एकदम स्ट्रेट रोड पे 10 किलोमीटर दूर एक होटल है। वहां पे उसको जाना है। अ डिसहॉर्नेड कैबमैन टेक्स हिम अलोंग अ सर्क्यूटस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रिचिज द होटल इन 28 मिनट। एक कैब वाला उसको ऐसे ऐसे घुमा फिरा के, मान लो कि 28 किलोमीटर उसने घुमाया और होटल में ले जाता है, और सॉरी 23 किलोमीटर, 28 क्या है मिनट और 23 किलोमीटर्स। रेडी,
वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर टू इक्वल और नॉट, तीन चीजें फाइंड करनी है. पहला एवरेज स्पीड. तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ लेंथ बाय टाइम. ठीक है, चलो. तो पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, लॉन्ग पाथ. तो ये तुम्हारा पाथ लेंथ के लिए, पाथ लेंथ तुम्हारा कितना हो गया? 23 किलोमीटर्स. तो ये हो गया 23. और टाइम है आपका 28 मिनट. तो 28 मिनट्स उसको तुम सेकंड में कन्वर्ट करो. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो हमें पता है कि भाई 60 मिनट का, सॉरी, हमें टाइम को आवर में कन्वर्ट करना है. 60 मिनट का 1 आवर 28 मिनट के कितने आवर्स होंगे? सो 28 बाय 60. तो 28 बाय 60 को ऊपर ले जाते हैं. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर, है ना. मैंने कुछ नहीं किया, ये टाइम जो मिनट में है उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, और 20 से तो किलोमीटर में था ही. सो यूनिट इज 49.3 किलोमीटर पर आवर. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. चलो, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है हमारा? 10 किलोमीटर. और यहाँ से यहाँ जाने के लिए इवेंचुअली टाइम तो क्या लगा? 28 मिनट. सो अगेन 28 into 60 विच विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली आंसर फॉर 21.43 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली थर्ड पार्ट जो मैं फाइंड करने के लिए बोला, आर द टू इक्वल? ऑब्वियसली बोथ आर नॉट इक्वल. रेडी? दोनों इक्वल कब होंगे? दे विल बी इक्वल. दे मीन्स ये स्पीड और वेलोसिटी, बोथ विल इक्वल व्हेन पैसेंजर विल ट्रैवल ऑन स्ट्रेट पाथ. अगर दोनों सेम पाथ में जाते हैं स्ट्रेट, तो ही ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, जो कि मैंने चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ाया है ये टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल नंबर 12. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. तो रेन जो है वो नीचे आ रही है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर, और उसकी वैल्यू आपको दी है, क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड. अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डिरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा. देखो क्या होगा, एक्चुअली में डिरेक्शंस ये होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, अब वैसे देखने जाओ तो रेन कैसे गिरती है? रेन ऊपर से नीचे गिरती है, ऐसे, है ना. तो मान लो कि ये रेन है, ठीक है, ऊपर से नीचे. और कौन जा रहा है साइकिल लेके? अ वुमन. वुमन साइकिल लेके कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, मतलब वुमन ऐसे जा रही है. अब ये वाली जो लाइन है ना, रेन वाली लाइन, वो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बट इतना मुझे पता चला कि रेन जो है वो डिरेक्शन और वुमन जो जा रही है वो डिरेक्शन, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. रेडी? सो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, बस दोनों को परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर दूंगा. तो ये मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन है, और वुमन जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है. मान लो कि ये डिरेक्शन नॉर्थ है और ये डिरेक्शन साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ मतलब वुमन ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ वुमन. ठीक है, इवेंचुअली तो मुझे दोनों को परपेंडिकुलर ही करना था. सो वेलोसिटी ऑफ वुमन कितनी है? 10 मीटर पर
सेकेंड, वॉट इज द डिरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला. रेडी? तो ऑब्वियसली कि अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन ये वाली होगी. रेडी? चलो, सो यहां पे अगर हम एंगल बनाते हैं, देखो डायग्राम क्या कहता है. अगर कोई पर्सन ग्राउंड सरफेस पे खड़ा है ऐसे ही, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन ये है. ग्राउंड सरफेस पे जो बंदा खड़ा है उसके लिए वुमन ऐसे जा रही है. हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला. वुमन को अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए? तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला वहीं पकड़ना चाहिए जहां पे रेन गिरती हो. तो वुमन के लिए रेन की डायरेक्शन ये हो जाएगी. तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन. ठीक है, चलो. अब मान लो कि यहां पे बन रहा है थीटा. तो ये जो ट्रायंगल बना उसके लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट. तो ऑपोजिट तुम्हारा क्या है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली वी आर जितनी. वी आर कितना है? 30. ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. एडजेसेंट क्या है? वी डब्ल्यू. वी डब्ल्यू की वैल्यू है 10. तो इसको कैंसिल करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3. नेचुरल टेंजेंट्स के टेबल में से इसको सॉल्व करना है. अदरवाइज अगर ये थीटा लेना है तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ऑपोजिट कितना होगा? वी डब्ल्यू जितना. वी डब्ल्यू कितना है? 10 डिवाइड बाय एडजेसेंट वी आर, और वी आर कितना है? 30. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, जो हमें देगा 0.3333. नेचुरल टेंजेंट्स में से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो थीटा मिलेगा आपको 18°26 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली. इसका नियर बाय भी मिलेगा तो भी चलेगा. रेडी? मतलब ये हमें जो 18 डिग्री मिले ना वो ये है, और तो ये कितना मिलेगा? 90-18 degree अप्रॉक्सीमेटली. 90-18 करोगे तो जो होगा वो इसमें ये मिलेगा. ये टेबल से भी आपको वही वैल्यू मिलेगी. सो वर्ड्स में क्या लिखेंगे? वुमन हैज टू होल्ड अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल ऑफ 18°26' विथ द डिरेक्शन ऑफ रेन फॉलिंग. ठीक है, जो एक्चुअल में रेन फॉल था उसके साथ इतने एंगल पे, या फिर खुद की जो वेलोसिटी है उसके साथ 90-18 something एंगल से. दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं. ठीक है, चलो. तो यहाँ तक हमने रखा है न्यूमेरिकल नंबर 12 तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.